आगरा में इंडियाना क्लब के तत्वाधान में आज क्लब के पदाधिकारियों रामलाल वृद्ध आश्रम में वृद्ध लोगों के लिए खान पान की सामग्री वितरण की गई। इंडियाना क्लब के अध्यक्ष अश्विनी जैन ने कहा कि गरीब सहायता लोगों की मदद करना ही सच्ची भक्ति ईश्वर की होती है। आज हर इंसान को इस तरह के कार्य में बहुत बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जिससे हमारा ईश्वर हमेशा खुश हो सके, क्योंकि हर धर्म यह कहता है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो ईश्वर के बारे में बताएं, मार्ग पर चलना होगा। और ईश्वर का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बेसहारा असहाय लोगों का सहारा बनना होता है। जितना आप इन लोगों का सहारा बनेंगे, ईश्वर भी आपका उतना ही सहारा बनेगा। रामलाल वृद्धाश्रम में क्लब की ओर से घी तथा गायों के लिए रोटी खिलाकर सेवा की गई। समय समय पर इस तरह के कार्य यह क्लब द्वारा किए जाता है। सेवा कार्य करने से मन को शांति मिलती है। इस मौके पर मुख्य रूप से अर्चना जैन, सुप्रहा जैन, गेलन सिद्धार्थ, आदित्य इंडियाना आदि लोग मौजूद रहे। रामलाल वृद्धाश्रम आगरा में एक मशहूर आश्रम है। ये यहाँ के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार, शिव प्रसाद शर्मा जी, वो यहाँ की देख रेख करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आगरा के अंदर ये आश्रम एक विशाल रूप में बना हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक गौशाला भी चलती है जिसमें लगभग 600-700 गायें यहाँ पर हैं। इसकी भी देख रेख यहाँ के कर्मचारी लोग करते हैं, हमारे भाई बहन लोग करते हैं। लेकिन मैं आगरा के तमाम समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी जगह पर आकर अपना मूल योगदान दें, धन से, शरीर से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की आवश्यकता है। अगर हम लोग 10 रुपये रोज भी बचाएं और उसका साल में 3600 रुपये होता है, उसकी हम एक रसीद यहाँ कटवा सकते हैं यहाँ की क्या आवश्यकता है। लेकिन समय समय पर क्या होता है कि हम लोग अपने शौक़ पूरे करते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, महीने में हम 4 बार पिक्चर देखते हैं, एक बार हम पिक्चर नहीं देखेंगे, उसकी जो बचत होती है वो हम लोग यहाँ जमा कराएं। क्योंकि यहाँ 350 लोग वृद्ध यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा है। कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ हम लोगों ने खाना भी रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत शांति होती है कि मैं ऐसे कार्य करता हूँ। क्योंकि मैं अभी इससे पहले कुष्ठ आश्रम में, दृष्टि बाधित विद्यालय में, तमाम जगहों पर जाता हूँ, उसके बाद में जब यहाँ से जुड़ा तो मेरे अंदर की जो आत्मा है उसमें मुझे शांति महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा पुण्य कार्य कर रहा हूँ जिससे मेरे, जबकि मैं इसका कोई भागीदार नहीं हूँ, मैं अपना कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आगरा के तमाम समाज सेवियों से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आकर अपना धन का कुछ हिस्सा इस आश्रम को दें जिससे यहाँ का विकास हो।